हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। मैं हूं आकाश चांद और आज हम बात करेंगे हमारी स्कॉर्पियो एन, जो हमारे पास जो फिलहाल अवेलेबल वेरिएंट है वो है स्कॉर्पियो एन Z2 पेट्रोल में है, जो कि आता है हमारा 203 हॉर्स BHP, सॉरी BHP है, हॉर्स पावर ये सेम ही होता है, 203 BHP में आता है ये पर्टिकुलर वर्जन। लेकिन जो डीजल वाली है वो 140 BHP कुछ ऐसे कुछ में आती है, 170 में भी 170 का भी है, 140 तो क्लासिक में आती है, तो ऐसे है। अब इसका जो हमें देखो, सबसे पहली बात तो हम आपको बताएंगे कि आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आपका मतलब ज़्यादा ही कंजेस्टेड वे एरिया में आप लोग रहते हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इसका साइज आप देख सकते हो, साइज इतना वाइड है, मतलब फॉर्चुनर से ये 100-150 mm कुछ mm मतलब सिर्फ लेंथ में शॉर्ट है, बाकी चौड़ाई में ऊंचाई में उससे भी बड़ी है। तो आप आइडिया लगा सकते हो एक कि मतलब कितनी क्या साइज है इसका गाड़ी का। दूसरी बात, अब कौन सी लेनी चाहिए आपको, अगर आप एवरेज की तरफ अब आप एवरेज की तरफ अगर आप ध्यान दोगे, अगर आपको एवरेज देखनी है गाड़ी की कि फ्यूल इकोनॉमी अगर आपके माइंड में है, पॉइंट कंसीडर कर रहे हो आप, तो आपको डीजल कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये पेट्रोल है। मैंने की थी इसकी बुकिंग इंट्रोडक्टरी प्राइस में, तो इंट्रोडक्टरी प्राइस के दौरान जो बुकिंग हुई थी जिस दिन इसकी, तो उसमें जल्दबाजी में मैंने पेट्रोल गलती से बुक कर लिया था, लेकिन अब उसको कैंसिल तो कर नहीं सकते थे, इसलिए मेरे को ये लेना पड़ा। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि एवरेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ मज़ा चाहिए चलाने का, तो आप पेट्रोल वेरिएंट बिल्कुल आप चूज़ कर सकते हो। 203 BHP है, 203 घोड़े दौड़ते हैं इसके, मज़ा आ जाएगा आपको जैसे ही आप चलाओगे ना। पेट्रोल की तो बात ही कुछ और है, ऊपर से स्कॉर्पियो रियर व्हील ड्राइव में आती है, ठीक है। एक बार आप ये पीछे दिखाते हैं आपको, पीछे से आप देख सकते हो क्या वाइड गाड़ी है, पूरी ब्रॉड एकदम लुक है। और दूसरी बात, ये सबसे मेन चीज, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कहीं किसी और गाड़ी की नहीं है। ले सकते आप ऑडी ले लो, BMW ले लो, जहाँ स्कॉर्पियो आ जाता है ना नाम, वहाँ पर ऑटोमेटिकली लोगों का अपना अट्रैक्शन हो जाता है गाड़ी की तरफ, ठीक है। तो रही बात पावर, मैंने आपको फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बताया, अगर आप फ्यूल इकोनॉमी आपके लिए मतलब मायने रखती है तो आप डीजल में लीजिए इसको। पावर थोड़ी कम मिलेगी लेकिन एवरेज काफ़ी अच्छी निकाल के दे देगी ये, 15-16 के आसपास की। फ्रेंड्स ने मतलब बताया है मेरे लोग साथ वालों ने कि उनकी गाड़ियाँ 15-16 की एवरेज दे रही हैं, लेकिन ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मैं बता सकता हूँ आपको, ये आज तक 12 से ऊपर तो इसने डिस्प्ले में भी नहीं दिखाई, और आती है 8-7-8 मैक्सिमम आती है इसकी एवरेज, कभी कभार 10 दे देती है। 10 तब देगी जब 6th गियर में चलती रहेगी, 2000 RPM के नीचे पर्टिकुलर एक स्पीड पे आप मेंटेन रखोगे इसको हाईवे पे, सिटी में तो ये 6-7 पे आ जाती है, ठीक है। और रही बात अब कौन सा मॉडल आपको कंसीडर करना चाहिए, अगर आप मॉडल की बात करते हो तो ये आती है 5 वेरिएंट में अवेलेबल है, मतलब स्टार्टिंग में थी, अब तो 2 और ऐड हो गए हैं तो 7 वेरिएंट में आती है। सबसे पहले आता है Z2 जो मैंने बुक की थी, ये वाली है। अब आप बोलोगे कि ये Z2 सी लग नहीं रही, इसमें अप्रोक्स 2 लाख के आसपास मैंने इसकी मॉडिफिकेशन कराई थी दिल्ली में, उसकी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा कि उसमें मतलब 2 लाख में क्या क्या इसमें लगवाया है। अंदर से तो कुछ खास किया नहीं है इसमें, बस बार बार से सारी एक्सेसरीज लगवाई है, ठीक है। तो Z2 आता है, Z2 के बाद Z2E आता है, उसमें कुछ थोड़े बहुत सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं। उसके बाद Z4, Z4E, Z6, Z8 और Z8L जो टॉप वेरिएंट होता है इसका, ठीक है। उसमें Z8L में और Z8 में और Z6 में सनरूफ भी आता है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कि आपको कौन कौन से मतलब जो फंक्शंस हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो इसमें पर्टिकुलर वेरिएंट। तो अगर अभी हम इसकी बात करते हैं, अगर आप Z2 वेरिएंट चूज़ करते हो तो Z2 में आता है आपको क्या क्या मिलता है, देखिए आगे से शुरू करते हैं, इसका ओनरशिप रिव्यू भी मैं दूंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले तो ये नहीं आता, पियानो ब्लैक आती है ये वाली पट्टी भी, ये भी पियानो ब्लैक आता है। इसमें मैंने ये लाइट मॉडिफाई करा रखी है, लेकिन लाइट तो सेम ही दिखेंगी, बस अंदर वाला बल्ब मैंने चेंज कराया है। ये नहीं आता है इसमें, यहाँ पे ब्लैक पट्टा सही लगा रहता है, बस खाली रहता है, ठीक है। और ये भी एड ऑन है, बम्पर एड ऑन है, ये भी अलग से लगवाया है। आगे तो यही है, साइड में आते हैं, कॉर्नर प्रोटेक्टर ये हमने लगवाया था, 17 इंच अलॉय व्हील कंपनी शोरूम से ही डलवाए थे, इनका तो प्राइस मैं आपको बता ही देता हूँ, बहुत से लोग सर्च करते रहते हैं अलग से।
ये आते हैं 72,000 के मेरे को पड़े थे, अब तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया होगा, कम ही होगा होगा। ये ब्लैक आते हैं, मैनुअल एडजस्टेबल होते हैं, फोल्ड वोल्ड भी नहीं होते, ऐसे हाथ से ही करने पड़ते हैं, और अंदर से भी इधर से भी जैसा आप देखोगे ना यहाँ से भी ऐसे हाथ से ही एडजस्ट करने होते हैं, एडजस्टेबल नहीं आते इसमें Z2 में, ठीक है। साथ में ये हो गया था, उसके बाद रेन वाइजर हमने लगवाए हैं इसमें। ये जो क्रोम की पट्टी आप देख रहे हो ये शोरूम की है, ये हमने लगवाई है इसमें। ये भी ब्लैक आते हैं, ये भी लगवाई है, ये भी लगवाया है, ये क्रोम भी, क्रोम गार्निश भी लगवाई है। ये भी नहीं आता, इसकी तो एजेंसी वाले तो मना ही कर देते हैं कि ये तो लगा के भी नहीं देंगे अलग से, ये दिल्ली में ही जाके लगवाना पड़ता है। ये लगवाया था, ये लगवाया था, रूफ रेल लगवाई थी, ये अलग होता है, इनका चार पीस का सेट अलग होता है, ये वाले सीपलर वाले दो पीस अलग से आते हैं, ये भी डलवाए थे हमने। और ये भी नहीं आता Z2 में, ठीक है। और जी ये तो ऑफकोर्स नहीं आता, ये भी बाहर से लगवाया था हमने, ये भी ब्लैक आता है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। यहाँ पे भी पियानो ब्लैक की गार्निश आती है, ये मैंने डलवाया अलग से क्रोम, ये भी नहीं आता इसमें पीछे वाला ये बम्पर, ये भी बम्पर गार्ड भी लगवाया है आप देख सकते हो। इसमें दो तीन वेरिएंट आते हैं, मैंने ये चूज किया था, तो यही सब, ये सब लगवाया हमने इस गाड़ी में मेनली। और इन सब की कॉस्टिंग आई है अप्रोक्स 2 लाख, मतलब 190-180 के आसपास आई है। इसकी भी मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखी है, उसकी भी उसको मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, ऊपर आ रहा होगा आपके पास ऑप्शन, ठीक है। ये चीज़ होती है इसमें, अंदर से अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए कुछ नहीं आता, बस ड्यूल टोन आता है, ये पूरा प्लास्टिक है, ये वाली आती है फैब्रिक आती है, ये डलवाया था, ये भी कुछ नहीं आता, ये पूरा हार्ड टच है। लेकिन हाँ इसकी ये सब कुछ आता है, और टॉप मॉडल में छोटा होता है, कम जगह होती है, इसमें बहुत ज़्यादा है। एक और दिखा दीजिए, ठीक है, बस यही है। और मेन चीज़ जो Z2 पेट्रोल में पर्टिकुलर में सिर्फ आपको मिलेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्कॉर्पियो एन के पर्टिकुलर पेट्रोल वेरिएंट इसमें Z2 में आता है। Z2 आप करोगे तो देखो Z2 में दो ऑप्शन आते हैं, पेट्रोल डीजल, ठीक है। डीजल अगर आप लोगे तो ये मिलेगा आपको हाइड्रोलिक, और ये पेट्रोल वेरिएंट है, तो आप देख सकते हो इसमें है ये इलेक्ट्रिकल, वो है इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग है, आप देखो एक उंगली से आप इसको घुमा सकते हो, ठीक है। बहुत ही स्मूथ है जब आप, हाँ ये इसकी अच्छी चीज़ है कि जैसे ही आप स्पीड थोड़ी बढ़ाते हो ना, 100-120 से ऊपर जाते हो तो ये थोड़ा हार्ड होने लगता है, ये चीज़ मिलती है इसमें। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे मिलता है ये ऑटो स्टार्ट, स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन इसमें। जैसे ही अब मान लो जैसे हमने गाड़ी चला कहीं आए हैं, तो हैंडरेस्ट जैसे ही हैंड ब्रेक खींच के हमने क्लच और ब्रेक छोड़ी ना, तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। और देखो जैसे अब मैंने ऐसे ही छोड़ रखी है, अब मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, अब मैं सिर्फ क्लच दबाऊंगा और इस स्टार्ट हो गई, तो ये वाला ऑप्शन भी इसमें मिलता है। हालांकि बेस वेरिएंट है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है इसमें है, ठीक है। और आपको दिखा देते हैं, ये सारे इल्यूमिनेटेड मिलेंगे आपको बटन्स, यहाँ भी और पीछे वाली डोर्स पे भी, तो ये इसकी अच्छी चीज़ है। मतलब 12 लाख की जैसे 11,99,000 में ये हमने दी थी, 11,99,000 में ये गाड़ी बहुत ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर इसी सेगमेंट में आप देखोगे तो क्रेटा पड़ेगी आपको 12 लाख के आसपास की, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चॉइस है इसमें इस प्राइस रेंज में। बाकी साइज की बात है, साइज तो है ही, आपको मजा आता है पूरा, 203 BHP बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब था इसका, इसकी डिटेल्स अगर अब आप लोग चूज कर सकते हैं कि मतलब किसी और वेरिएंट में जाना है या बेस मॉडल लेके आप इसमें 2-1 लाख रुपए लगा के, हाँ अंदर से भी आपको मॉडिफिकेशन करानी है तो 50,000 रुपये और लगा लो इसमें, तो मोस्टली सारे ही ऑप्शन मिल जाते हैं मॉडिफिकेशन के, कि अगर हमें मॉडिफाई करवानी है या उसमें जाना है तो पूरी भी चेंज हो जाती है Z-Detail बिल्कुल, लेकिन उसमें ऐसे लगते हैं आपके 3-4 लाख रुपए के आसपास लगते हैं आपके Z-Detail बनाने में, सनरूफ वनरूफ सब कुछ मिल जाता है उसमें। तो दोस्तों यही था डिटेल्स इसकी Z2 की, इसको आप मतलब कैसे अपने थोड़ा इतनी मॉडिफाई करा सकते हो कि कोई देख के ये नहीं बोल सकता कि बेस मॉडल है, और आपको भी फील नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही बेस मॉडल चला रहे हो। तो
आई होप आपको आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए।